हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रायबरेली के बेस्ट रेस्टोरेंट पे, द कैदी किचन पे। वहाँ का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेवल भी करूंगा रायबरेली के मेरे नियर पे जितने भी अच्छे प्लेसेस हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। और आज मैं जा रहा हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट कैदी किचन में। तो वहाँ का व्यू मैं पहुँच के वहाँ को दिखाता हूँ आप लोग, किस जगह पे है, कैसा है, क्या मेन्यू है वहाँ का। तो चलेंगे, वहाँ का सबसे स्पेशल फूड क्या है, तो चलेंगे वहाँ पे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहना ब्लॉग पे, ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चलिए चलते हैं। हे गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं डिग्री कॉलेज चौराहे पे, और वो पीछे देख सकते हो ऊपर है कैदी किचन। तो अभी हम लोग चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो गाइस, कैदी किचन आपको मिलेगा कॉन्डे कॉम्प्लेक्स पे, सबसे टॉप पे। तो अभी हम लोग आए हैं और चलते हैं ऊपर। सीढ़ियों से लिफ्ट भी मिल जाएगी आपको, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर कैदी किचन, और वहां पहुंच के आपको व्यू दिखाते हैं। लिफ्ट चल रही है और ऊपर पहुंच के हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, हम आ गए हैं द जेल और कैदी किचन, और ये है यहाँ का अंदर का गेट। तो चलिए चलते दिखाते। दोस्तों, हम आ गए अंदर, और ये है अंदर का व्यू, और हम लोग इधर बैठ रहे हैं। तो गाइस, यहाँ का ये अंदर का व्यू, लाइट डेकोरेशन, और ये इस तरह से बना हुआ है, बैरक टाइप में बना हुआ है, जहाँ बेंच पड़ी है लकड़ी के इस टाइप में। और अभी हम लोग ये यहाँ का मेनू, तो दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का मेनू। फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं और जेल के अंदर बैठे हैं। जेल कर दिया है बंद। तो गाइज, ये है यहाँ का मेनू, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, और इस साइड भी है और इस साइड भी है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। और अभी हम कुछ करते हैं ऑर्डर, उसके बाद खाते हैं। तो आगे, तो गाइज, हमने फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया है। काफ़ी मेनू बदल गया है पिछले साल से अब के साल में, और काफ़ी चीज़ें घट गई हैं, फायर पान वगैरह सब कुछ हट गया है यहाँ पे, तो वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था। और अभी हम लोग फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए हैं, अभी खाएंगे, अभी देखते हैं कितनी देर में आता है, और दिखाते हैं यहाँ का व्यू जो बना हुआ है। तो गाइस, ये है यहाँ का अंदर का पूरा व्यू, और बैरक टाइप में बने हुए हैं, और बेंच पड़ी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारे फ्राइड राइस में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने चिली पटेटो ऑर्डर किया है, और अभी देखते कितना टाइम लगता है। तो गाइस, फाइनली हमारा चिली पटेटो आ गया है, और अभी हम लोग खाएंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर। तो गाइस, हमने चिली पटेटो खा लिया है, और अभी मज़ा बिल्कुल आया नहीं है, वो मैं बाहर जाके आपको बताऊंगा। और अभी बिल मंगाया हुई है, सभी बिल लेकर आते हैं तो दिखाते हैं। और 139 का चिली पटेटो पड़ा, वो भी एक प्लेट, जो आपने देखा 139 का था, और पानी का चार्ज अलग था। तो बाकी की बात मैं अभी बिल पे करने के बाद करता हूँ। तो ये गाइस हमारा है बिल, और बिल पे करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ये नीचे का व्यू है पीछे, और अभी लिफ्ट मंगा लिया है, लिफ्ट आने दो। गाइस, ये नीचे का व्यू, ये सीढ़ी का रास्ता है, और ये लिफ्ट का रास्ता है, तो हम लोग लिफ्ट से चलते हैं। तो गाइस, शीशा पूरी तरह से घिस चुका है, इसकी घिसनता। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने चिली पटेटो खा लिया था, फ्राई राइस में काफ़ी ज़्यादा लेट थी, आधे घंटे का टाइम बोल रहे थे, इसलिए अब चिली पटेटो खाया, वो भी काफ़ी टाइम में आया, और बहुत ही थर्ड क्लास की सर्विस है यहाँ पे। मैं एक साल पहले आया था, तो काफ़ी ज़्यादा मेनू थे, और फायर पान वगैरह था, तो इसीलिए मैं इस टाइम भी आया कि ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और काफ़ी थर्ड क्वालिटी की सर्विस थी यहाँ पर, बेकार एकदम। और
नॉन वेज भी लाती हैं, फिश वगैरह चिकन वगैरह नॉन वेज भी हो गया यहाँ पे। तो जिसको पसंद है आइएगा खाइएगा, और मैंने दिखा दिया लोगों को। अभी तो मैं फिलहाल खा पी चुका हूँ और आप जाते हैं कुछ घर के लिए पैक कराएंगे, कि मम्मी ने मंगाया था मोमोज और अभी पैक कराएंगे, उसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि शाम भी हो गई है, 5 बज गए हैं और अभी 20 किलोमीटर मुझे घर भी जाना है। तो मैं आप लोगों के लिए बस आता हूँ, 20 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ, 40 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ, 40 आना 20 जाना होता है मेरा। और आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए और देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइस अभी हम आए मोमोज खाने, और ये आ गया मेरा मोमोज, तो हम लोग खाएंगे और पैक भी कराएंगे। इधर आओ इधर। तो गाइस फाइनली हम अभी हैं ओवरब्रिज पे, जो कि मामा चौराहे वाला वो ओवरब्रिज है ये, और ये इधर इंदिरा गार्डन पीछे पड़ता है। और अभी हमने शशांक को छोड़ दिया है और चलते हैं अभी घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 5 बजने वाले हैं और सूरज भी जाने वाला है, और अभी पहुँचते हैं घर, पहुँच के मिलते हैं तो भी बात करें। तो गाइस हो गई है शाम और हम चलते हैं घर, लगाते हैं अपना हेलमेट।